हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरी सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी केवीएस एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी कमजोरी की अनुपस्थिति। यह कथन किसका है? यह कथन जो संबंधित है किससे रिलेट करता है? अरस्तु से रिलेटेड है, WHO और डॉक्टर एम गिल या फिर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 82 नंबर है, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? किसकी गहन आवश्यकता होती है? प्रोटीन, फल, वसा या फिर शर्करा की। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल यहां पे आंसर आपका जो राइट आंसर से रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेट कर जाएगा, फल से रिलेट करेगा, वसा या फिर शर्करा से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन से रिलेट करता है। ए उत्तर राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। इसके पहले के लिए और सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट UPTGT KVS या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से 25 दिसंबर से आपका नया बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको नई सीरीज, नए क्वेश्चंस और साथ में पुराने क्वेश्चंस का भी रिवीजन कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज का फिजिकल एजुकेशन के लिए पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट, साथ में आपको उनकी PDFs भी अवेलेबल की जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के टाइम पर रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। और साथ में नए स्टूडेंट और 10,000 प्लस क्वेश्चन की PDF भी आपको अवेलेबल की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, राइट आंसर आपको बताना है। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा दिया हुआ? फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? जो फेफड़े हैं ये किस तंत्र का भाग होते हैं? परिसंचरण तंत्र का भाग होते हैं, कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। 84 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट होगा, बी होगा, सी या फिर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? और जो भी केवीएस पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं और ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पर कौन सा होगा? श्वसन तंत्र से रिलेट करेगा, आपका राइट आंसर होगा। यहां पे आपका 83 जो था इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 85 नंबर है, रक्त को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जो रक्त है इसको ऑक्सीजन जो मिलता है ये कहां से मिलता है? फेफड़ों से मिलता है, हृदय, किडनी या फिर आमाशय। बताइए रक्त को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? 85 में फेफड़ों से मिलेगा क्या? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन से सही आंसर रिलेट करेगा। ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 86 नंबर है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? टॉप 20 क्वेश्चन है, स्कोरिंग आपको करना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ग्रुप में आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी सीरीज प्रोवाइड की जाती है, अगर आप डेली तैयारी करते हैं, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आंसर देख लेते हैं। यहां पर 90 मिनट सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
फुटबॉल के मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे, 5 गज, 10 गज, 15 गज या फिर किसी भी दूरी पर? 87। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फुटबॉल के मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे, तो ये किसी भी दूरी से रिलेट कर जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 88, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? जो स्ट्राइकर शब्द है यह कौन से खेल से रिलेटेड है? और आप लोग अपना स्कोर अवश्य करते जाइएगा कि आपके एग्जैक्टली 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर या टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको सभी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। 88 में जो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 89 नंबर है, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? जो फेडरेशन कप प्रतियोगिता है यह कौन से खेल से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, बेसबॉल या फिर वॉलीबॉल? फेडरेशन कप प्रतियोगिता कौन से खेल से संबंधित है? 89, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? बताइए इसमें से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है। और जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90, बी ऑप्शन यहां पे होगा या फिर ए होगा। डलहौजी क्लब, सेफील्ड फुटबॉल क्लब, क्लाइव लॉर्ड क्लाइव क्लब या फिर इनमें से कोई नहीं? 90 नंबर बी ऑप्शन, सेफील्ड फुटबॉल क्लब, बी ऑप्शन यहां पे क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 91 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है? जो सर्वाधिक फुटबॉल क्लब प्राचीन है सबसे ज्यादा, वो बताना है आपको ऑप्शन से। डलहौजी क्लब है, मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब या फिर ईस्ट बंगाल क्लब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी या फिर केवीएस या फिर डी ट्रिपल एस में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। बैच आप लोगों का 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। और जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं केवीएस के लिए, वो 300 रुपीज का पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कल से जो ग्रुप में है क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 91 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डलहौजी क्लब, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 92 नंबर है, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा खेल का फैसला करता है? किसके द्वारा खेल का फैसला करता है? ये कॉर्नर किक के द्वारा, पेनाल्टी किक के द्वारा, गोल किक के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 92 में आप आंसर अटेम्प्ट कर दीजिएगा कि उत्तर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बी ऑप्शन पेनाल्टी किक के द्वारा, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 93, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो फुटबॉल है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कॉर्नर किक के समय विपक्षी किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णयन होता है, थ्रो इन से सीधे गोल किया जा सकता है या फिर किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता है। 93 में आंसर बताइएगा, कंटिन्यूटी आप सभी लोग बनाए रखिएगा एग्जाम्स के लिए। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करते रहिएगा क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे।
मान लेते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट हो रहा है, 2-3 महीने लेट हो रहा है, तो आप अपनी तब भी पढ़ाई जारी रखिएगा, तैयारी करिएगा, थोड़ा टाइम कम कर दीजिएगा, लेकिन उससे तैयारी से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे एग्जाम नोटिस आएगी तो आपके सारे क्वेश्चन सरसरी निगाह से रिपीट हो जाएंगे, ये आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 94 नंबर है। फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में प्ले इन होता है, बताइए। 94, किसी दिशा में कम से कम 5 कदम मारने पर, गेंद के अपनी परिधि पर दूर आगे जाने पर, मैदान के बीच बने वृत्त के बाहर जाने पर, या फिर खेल मैदान के केंद्र स्थान से किक करने पर। 94 में आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद में प्ले इन होता है, तो ये आंसर आपने अटेम्प्ट किया है बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर सही आंसर होगा। वर्तमान में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोग पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करिएगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। 95 नंबर है, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है। 95, एडक्शन एब्डक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, घूर्णन रोटेशन, या फिर चक्रीय घूर्णन सर्कमडिक्शन, बोलिए। 95 यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 96 नंबर है। तत्परता का नियम दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर होगा, थांडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थांडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, यहां पे आपका आंसर 2 नहीं दिया हुआ, तब कौन सा लगाएंगे, 97 नंबर, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 से रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 98 नंबर है। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है, जो स्पेंसर महोदय हैं इन्होंने व्यक्तित्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये आपको बताना है, 7, 3, 6 या फिर 4। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी टीजीटी या फिर केवीएस या फिर आप लोग अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन शॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रोवाइड किया जाता है बीच बीच में वो प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में 10,000+ क्वेश्चन की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएंगी। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बैच आप लोग का नया जो है 25 दिसंबर यानी कल से शुरू कर दिया जाएगा, जिसको भी जुड़ना है वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीटली तैयार कर सकता है। 98 बी ऑप्शन होगा क्या, फिर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। निम्न में से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है, व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, तो इसमें व्यक्तित्व का निर्धारण कौन करता है, सामाजिक कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। व्यक्तित्व का बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कोरस, कार्ल यंग, लिम्का या फिर चार्ल्स। यंग महोदय के द्वारा ये प्रस्तुत किया था, यहां पे यंग लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो जो भी पार्ट आपको देखना है वहां से आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम
माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।